अस्सलामुअलैकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं टेक्नो कैमोन 18T का। वैसे जब मैं किसी फ़ोन का रिव्यू करता हूं तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं उसके डिज़ाइन के बारे में, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे इस फ़ोन के कैमराज के बारे में, क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में भी आपको कहा था कि ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह यह कि इस फ़ोन के बैक और फ्रंट दोनों पर हमें 48 मेगापिक्सल के जो सेंसर्स हैं वो मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो मैं आपको बताऊं बैक पे हमें तीन कैमराज मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल का 1.8 एपर्चर का, दूसरा हमें 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का मैक्रो सेंसर मिल जाता है, और तीसरा 2 मेगापिक्सल का ही 2.4 एपर्चर का ही डेप्थ सेंसर मिल जाता है। इसी तरह हमें फ्रंट पे 48 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिल जाता है, और इन दोनों कैमराज से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ सैंपल्स मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किए, खासतौर पर मैंने यहां पर लो लाइट के जो सैंपल्स हैं वो मैंने कैप्चर किए, मैं आपको दिखाता हूं। और ये इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे सैंपल्स हैं, लो लाइट से मैंने स्टार्ट किया है, और इस वक्त नाइट मोड आप देख रहे हैं। एक तस्वीर जो है वो नाइट मोड की है और एक बगैर नाइट मोड की है, एक ही तस्वीर है, मतलब एक ही फ्रेम है दोनों का। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। मुझसे अगर आप पूछते हैं तो नाइट मोड ऑन करने के बाद इसका फोकस बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कैमरा का, प्लस यहाँ पे जो कलर करेक्शन है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो गई थी। ये दो चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी भी होती हैं, ये नाइट मोड में मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी टेक्नो कैमोन 18T का। इस तरह डे लाइट की अगर हम बात करते हैं तो डे लाइट के भी मुख्तलिफ यहाँ पे सैंपल्स हैं, वो भी आप देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि डे लाइट में तो डेफिनेटली कैमरा अच्छा परफॉर्म करते ही है, और टेक्नो कैमोन 18T भी यहाँ पे हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरे पास एक स्लो मोशन मोड है वो भी लो लाइट का, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें यहां पे जो धुआं उठ रहा है इससे आपको अंदाजा होगा, फिर बीच में गाड़ी भी आ जाती है तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी जो स्लो मो है वो भी लो लाइट में कितना जबरदस्त परफॉर्म करता है। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि ये एक कैमरा सेंट्रिक फोन है, ठीक है। तो ये इतने सारे सैंपल्स आप इस वक्त मजीद भी देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, इससे आपको अंदाजा होगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक मतलब पोर्ट्रेट के अंदर मुझे ये फोन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने मुख्तलिफ पोर्ट्रेट यहाँ पे कैप्चर किए, और पोर्ट्रेट में जो मेन चीज होती है वो ऑब्जेक्ट के एजेस होते हैं। इसने एजेस को बहुत ही मतलब है कि सलीके से कैप्चर किया था, ये बात मैंने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में भी आपको बताई थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह कैमरा सेंट्रिक फोन है बेहतरीन। इस प्राइस रेंज की अगर हम बात करते हैं तो बेहतरीन जो कैमराज हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब डिजाइन के बारे में। डिजाइन के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे हमें एक मॉडर्न लुक्स मिलती है टेक्नो कैमोन 18T की। खासतौर पर ये कैमरा मॉड्यूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, इसका ओवरऑल जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अगर हम इसकी ओवरऑल लुक की बात करें ना, तो देखें यहाँ पे हमें बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया, साइड पर दे दिया, नीचे टाइप सी की पोर्ट दे दी, तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मॉडर्न है। प्लस जो क्या कहते हैं सेल्फी कैमरा है वो सेंटर में बिल्कुल पंच होल हमें मिल जाता है, तो मतलब एक मॉडर्न डिज़ाइन है, ठीक है। तो डिजाइन और कैमराज दोनों में ही ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक फील्ड और है जिसमें टेक्नो कैमोन 18T मुझे काफी सुपीरियर लगा, वो है इसका डिस्प्ले। वैसे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें IPS LCD मिलती है 6.8 इंच की 1080p रेजोल्यूशन के साथ, लेकिन आप देख रहे होंगे खुद भी कि यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले है उसके कलर्स बहुत ज्यादा पंची, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। फिर एक और चीज ये, इसकी जो डायमेंशन है डिस्प्ले की वो बहुत ही कमाल की है, थोड़ा सा टॉल भी है, वाइड भी है, इसकी वजह से इसका जो वीडियो एक्सपीरियंस है, गेमिंग एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा, गेमिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें जो चिपसेट मिलता है वो मीडियाटेक हेलियो G85 का चिपसेट मिलता है 4GB की रैम की कॉम्बिनेशन के साथ, और यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने प्ले किया, कॉल ऑफ ड्यूटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप नॉर्मल ग्राफिक्स में खेलते हैं, अगर आप हायर ग्राफिक्स में जाते हैं तो फिर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो जाती है, लेकिन नॉर्मल ग्राफिक्स में इस प्राइस रेंज में एक बेहतर गेमिंग फोन हम कह सकते हैं इसको, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये कंप्लीट पैकेज फोन है अगर मैं इसको कहूँ, जो गलत नहीं होगा। एक दो चीज़ें छोटी छोटी मिसिंग है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो स्पीकर है वो सिंगल स्पीकर है, ड्यूल स्पीकर नहीं है। इवन कि ये जो सिंगल स्पीकर है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, काफ़ी लाउड, काफ़ी क्रिस्प ऑडियो हमें मिलती है, लेकिन ये ड्यूल नहीं है। जो ड्यूल वाला एक्सपीरियंस होता है वो डेफिनेटली अलग ही होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें इस तरह की हैं जो हम कह सकते हैं मतलब एक कमी है, लेकिन ये ऐसी हैं कमियां जिसको हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो बहुत ही कमाल की यहां पे हमें मिल जाती है। 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है 18 वॉट की फास्ट चार्ज के साथ, और मैं आपको बताऊं दोस्तों इसकी बैकअप की अगर बात करते हैं तो ये पूरा एक दिन अगर आप गेमिंग करें, वीडियो देखें, कैमरा चलाएं, तो पूरा एक दिन आराम से ये बैटरी आपका साथ देगी। फिर यहां पर 18 वॉट की फास्ट चार्ज की सपोर्ट भी मिल जाती है, तो डेफिनेटली आप इसको क्विकली चार्ज भी कर सकते हैं। तो बैटरी के डिपार्टमेंट में भी टेक्नो कैमोन 18T नो डाउट
बेहतरीन फोन है। एक और चीज दोस्तों, यहाँ पे हमें जायरोस्कोपिक सेंसर में नहीं मिलता, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता, और ये बहुत ज्यादा क्विक है, बहुत ज्यादा फास्ट है फिंगरप्रिंट सेंसर इसका। इसके अलावा एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी के सेंसर मिल जाते हैं। प्रॉक्सिमिटी के सेंसर को मैंने खास तौर पर चेक किया क्योंकि इस प्राइस रेंज में अक्सर प्रॉक्सिमिटी के सेंसर मसला करते हैं, लेकिन टेक्नो केमोन 18T में ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं मिली है। यहाँ पे मैंने धूप में जाके, छांव में आके प्रॉक्सिमिटी सेंसर को बार बार टेस्ट किया और यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर ने बिल्कुल ठीक काम किया। इस तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेल्यूलर क्वालिटी की, तो सेल्यूलर कॉल क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने 4G भी चला के देखा, मोबलिंग, जोंग, टेलीनॉर और यूफोन, ये चार नेटवर्क्स मैंने इसमें टेस्ट किए। चारों नेटवर्क्स में मुझे सिग्नल की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे जो 4G कनेक्टिविटी है उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ओवरऑल मैं इस प्राइस रेंज में एक बेहतर फोन इसको कह सकता हूँ। फाइनली दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछते हैं वो कौन से यूजर्स होंगे जिनको मैं रिकमेंड करूंगा कि टेक्नो केमोन 18T की तरफ जाएं, तो जी देखिए, सबसे पहले तो यहां हमारे पास कैमरा सेंट्रिक फोन है, मैंने बता दिया, सैंपल्स भी हमने देख लिए। तो अगर आपको इस प्राइस रेंज में बेहतरीन कैमरास चाहिए, फ्रंट बैक मतलब कोई कंप्रोमाइज करना ही नहीं है, तो टेक्नो केमोन 18T आप आंख बंद करके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अच्छा डिस्प्ले चाहिए, क्रिस्प, आपको मतलब एक कलर्स चाहिए, बेहतरीन डिस्प्ले चाहिए, गुड लुक्स चाहिए, यहाँ पे एक बड़ी बैटरी चाहिए और उसका बैकअप भी आपको अच्छा चाहिए, तो टेक्नो केमोन 18 नो डाउट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्या राय रखते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।